तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका सीलिंग फैन का स्पीड कम हो गया है या आपका सीलिंग फैन धीरे धीरे घूमता है तो आप उस सीलिंग फैन का स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीलिंग फैन है पहले बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता था, अच्छा हवा देता था, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड्स इस फैन का स्पीड कम हो गया। अभी फ्रेंड्स इसका स्पीड इतना कम हो गया है कि इसको चलने नहीं चलने से कोई मतलब नहीं है, ये धीरे धीरे घूमते रहता है लेकिन इससे हवा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये सीलिंग फैन होता है इसका स्पीड कम होने का क्या रीजन होता है और हम सीलिंग फैन का स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीलिंग फैन है जब आप इसको नया में परचेज करते हैं, नया में लगाते हैं, तो उस टाइम हमारा सीलिंग फैन पूरा स्पीड में चलता है, अच्छा खासा हवा देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है इसका स्पीड कम हो जाता है और ये हवा कम देने लगता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होता है कि जब हमारा सीलिंग फैन का स्पीड कम होता है तो वहाँ पर हम केवल कैपेसिटर बदलते हैं तो क्या होता है हमारा सीलिंग फैन का स्पीड पहले जैसा हो जाता है। बहुत सारे लोग कैपेसिटर भी चेंज करते हैं फिर भी उनका सीलिंग फैन का स्पीड नहीं बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीलिंग फैन होता है इसके स्लो चलने के दो तीन पॉइंट होते हैं, मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ, आप उस तरह से चेक करके अपने सीलिंग फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके इस सीलिंग फैन को बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कभी कभी हमारे गांव में घर में उतना बराबर वोल्टेज नहीं आता, कभी कभी हमारा कम हो जाता है 180-160 इस तरह से वोल्टेज आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका अगर सीलिंग फैन नया है या उसका कैपेसिटर नया है सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर आपके घर का वोल्टेज ठीक नहीं है तो वहाँ पे आपका जो ये सीलिंग फैन होगा वो यहाँ पे स्लो घूमेगा। तो अगर आपका ये सीलिंग फैन स्लो घूम रहा है तो एक बार अपना वोल्टेज जरूर चेक करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका दूसरा कारण होता है अगर आपका ये सीलिंग फैन का जो वाइंडिंग होता है, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमारा दो वाइंडिंग होता है, तो फ्रेंड्स जब आपका सीलिंग फैन पुराना होता है तो धीरे धीरे फ्रेंड्स क्या होता है इस सीलिंग फैन का जो बैरिंग होता है वो बैरिंग जाम हो जाता है या उतना फ्री नहीं रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है जो आपका एक क्वाइल होता है इस क्वाइल पे धीरे धीरे लोड आता है, जैसे आपका जब वोल्टेज कम होगा और आपका जब बैरिंग जाम रहेगा तो वहाँ पे आपका फैन तो चलेगा लेकिन क्वाइल के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, ज़्यादा करंट लेगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है जो एक क्वाइल होता है वो वीक हो जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वाइल जब वीक हो जाएगा तो वहाँ पे आपका सीलिंग फैन चलेगा लेकिन ये स्पीड नहीं चलेगा क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होगा वो कम हो जाएगा, जिसके बाद आप इस सीलिंग फैन में कितना भी बड़ा और नया कैपेसिटर लगाएंगे उसके बाद भी आपका सीलिंग फैन स्लो घूमेगा। फ्रेंड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब उनका सीलिंग फैन स्लो घूमता है तो अपने सीलिंग फैन में 2.5 की जगह पर 3.15 का कैपेसिटर लगा देते हैं, डबल भी कैपेसिटर लगा देते हैं, उससे तो फ्रेंड्स उनका सीलिंग फैन स्पीड तो नहीं चलता है लेकिन उनका सीलिंग फैन जल्दी ही जल जाता है। क्योंकि फ्रेंड जब आपका क्वाइल वीक रहेगा तो अगर आप बड़ा कैपेसिटर डालेंगे और वोल्टेज बराबर रहेगा तो वहां पे जो आपका वो क्वाइल होगा वो जल्दी ही जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारा चीज पे ध्यान देना है, आपको केवल कैपेसिटर ही चेंज नहीं करना और कैपेसिटर चेंज करने से ही आपका पंखा पूरा स्पीड नहीं हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसका तीसरा पॉइंट आता है कैपेसिटर का। फ्रेंड देखिए, जब आपका फैन में ये सब सही रहेगा, वोल्टेज सही रहेगा, क्वाइल सही रहेगा, उसके बाद अगर आपका फैन स्लो घूमता है तब आपको क्या करना है कैपेसिटर चेंज करना है। उसमें भी फ्रेंड्स क्या करना है, पहले आपको अपने कैपेसिटर को चेक करना है कि जो हमारा ये कैपेसिटर है वो सही में खराब है या कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो आपका एक कैपेसिटर रहेगा वो यहाँ पे एक बीच वाले पॉइंट में लगा है, एक नीचे वाले पॉइंट में लगा है। आपको फ्रेंड्स क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट से इसको खोल देना है और फिर जो इसका ऊपर वाला पॉइंट है इसको भी यहाँ पे खोल देना है, ठीक है। खोलने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका एक कैपेसिटर रहेगा इस कैपेसिटर को आपको इस फैन से यहाँ पे बाहर कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करना है, आपको इस कैपेसिटर को चेक करना है कि जो हमारा ये कैपेसिटर है ये सही है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, अगर इस कैपेसिटर खराब है तो इसमें दूसरा कैपेसिटर लगाना है। फ्रेंड्स, सीलिंग फैन के कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका घर का स्विच बोर्ड रहेगा, जो उस स्विच बोर्ड में सॉकेट लगा रहेगा, इसी सॉकेट से आपको इस कैपेसिटर को चेक करना है। उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे इस सॉकेट का सप्लाई चालू कर लेना है। करने के बाद फ्रेंड देखिए, जो कैपेसिटर का दोनों वायर रहेगा इसको क्या करना है, सॉकेट के दोनों पॉइंट में इसे डाल देना है और डालने के बाद फ्रेंड क्या करना है, आपको इसे शॉर्ट करना है। फ्रेंड जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो अगर शॉर्ट करने के बाद एक कैपेसिटर से ये फ्लश ज़्यादा आएगा, अगर ये साउंड स्पार्क ज़्यादा करेगा तो वहाँ पर एक कैपेसिटर सही होगा। अगर मान लीजिए आपका इसमें से स्पार्क कम आ रहा है, ये साउंड भी कम कर रहा है, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या है, आपका जो एक कैपेसिटर है वो यहाँ पर वीक हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये कैपेसिटर है इसमें से स्पार्क भी कम आ रहा है और जो हमारा इसमें से साउंड है वो भी कम आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम इस सीलिंग फैन के लिए दूसरा कैपेसिटर यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा एक नया कैपेसिटर है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये कैपेसिटर हमारा 2.25 mm का है, ये
2.5 का है। फिर देखिए जब आपका कैपेसिटर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो वहां पे देखिए इसका स्पार्क कितना ज्यादा आता है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसको भी आपको क्या करना है, जो आपका सॉकेट रहेगा इस सॉकेट में यहाँ पे अच्छा से डालना है, और डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पार्क करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पहले वाला कैपेसिटर था इसमें हमारा स्पार्क कम आ रहा था, साउंड कम आ रहा था, वहीं फ्रेंड जब हम नया कैपेसिटर चेक कर रहे हैं तो इसमें हमारा स्पार्क भी ज्यादा आ रहा है और हमारा साउंड भी ज्यादा कर रहा है। तो फ्रेंड जो हमारा ये कैपेसिटर होता है ये जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, वीक हो जाता है, इसका कैपेसिटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो वहां पे धीरे धीरे घूमने लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस कैपेसिटर को उस सीलिंग फैन में लगा के दिखाता हूँ कि इससे हमारा वो सीलिंग फैन स्पीड चल रहा है कि नहीं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका एक कैपेसिटर का दो वायर रहेगा, इन दोनों वायर को आपको क्या करना है, जो आपका फैन का दो वायर रहेगा जिसमें कि हमारा पहले वाला पुराना वाला कैपेसिटर कनेक्शन था, उन्हीं दोनों वायर में क्या करना है, नया वाला कैपेसिटर का भी कनेक्शन कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो हमारा फैन का दोनों वायर है इसमें हमने क्या किया, कैपेसिटर के दोनों वायर को कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब आप अपने पुराना कैपेसिटर को खोल रहे हैं तो वहां पे देखना है जो हमारा यहाँ पे दो कलर है, जैसे एक ब्लू कलर का वायर है एक हमारा ब्लैक कलर का वायर है, तो इन दोनों कलर में से कौन सा कलर का वायर बीच में लगा था और कौन सा कलर का वायर नीचे लगा था। अगर फ्रेंड्स आप उस टाइम वहां पे ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका ये सीलिंग फैन होगा उसका यहाँ पे उल्टा कनेक्शन हो जाएगा और आपका सीलिंग फैन उल्टा भी चलने लगेगा। तो फ्रेंड जो हमारा ये ब्लू कलर का वायर था ये हमारा यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल में लगा था, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल में लगा दे रहे हैं। वही फ्रेंड देखिए जो हमारा ये ब्लैक कलर का वायर था ये हमारा नीचे वाला टर्मिनल में लगा था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल में लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इन सारे नट को अच्छा से टाइट करना है, आपको इसको लूज नहीं रखना है, नहीं तो इससे क्या होगा, जो आपका ये टर्मिनल होगा वो यहाँ पे जल जाएगा। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जो आपका एक कैपेसिटर रहेगा इस कैपेसिटर को आपको क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बार इस सीलिंग फैन का सप्लाई चालू करके दिखा देते हैं कि जो हमारा सीलिंग फैन पहले धीरे धीरे घूम रहा था अब वो कैपेसिटर चेंज करने के बाद स्पीड घूम रहा है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार इस सीलिंग फैन का सप्लाई चालू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीलिंग फैन के सप्लाई को चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड जो हमारा ये सीलिंग फैन है वो हमारा पहले से ज्यादा स्पीड में घूमने लगा है। पहले जो हमारा सीलिंग फैन था वो धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन कैपेसिटर बदलने के बाद वही सीलिंग फैन देखिए यहाँ पे पूरा फुल स्पीड में चल रहा है, और फ्रेंड्स ये सीलिंग फैन हमारा हवा भी अच्छा दे रहा है, पहले से बहुत ज्यादा हवा दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सीलिंग फैन है इसमें जब हम कैपेसिटर को चेंज कर दिए उसके बाद इस सीलिंग फैन का स्पीड भी बढ़ गया और ये सीलिंग फैन ज्यादा हवा भी दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा सीलिंग फैन है इसका क्वाइल और वोल्टेज सही है, इसीलिए जब इसमें हम कैपेसिटर लगा दिए तो इससे क्या हुआ, इसका स्पीड बढ़ गया। वहीं अगर इसका क्वाइल में प्रॉब्लम होता, क्वाइल वीक हो गया होता या वोल्टेज कम होता तो यहाँ पे हम नया भी कैपेसिटर डालते या कोई बड़ा भी कैपेसिटर डालते तो भी हमारा सीलिंग फैन स्लो ही घूमता। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सीलिंग फैन का स्पीड बढ़ाने का तरीका समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।